बच्चों को सुप्रभात। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमें तमिलनाडु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ के पकवान, वहाँ के नृत्य, वहाँ की भाषा, और आज जो हम पेश करने जा रहे हैं वो है तमिलनाडु की नदियाँ। नदियाँ जो होती हैं ये किसी भी देश की जीवन रेखाएं होती हैं। प्यारे बच्चों इधर देखो, जीवन रेखाएं यानी कि जिनसे हमारा जीवन जो है निर्भर है। हमारा जीवन इन नदियों पर कैसे निर्भर है? नदियों से कृषि में मदद होती है, खेतीबाड़ी में मदद होती है। हम नदियों से बिजली पैदा करते हैं। इंसान से लेकर जानवर तक, पशु पक्षी तक नदियों पर निर्भर है, नदियों के पानी पर आश्रित हैं। यानी कि हमारा जो जीवन है ये नदियों के साथ रहा है सदियों से, और आज भी ये नदियों से भरा हुआ जीवन हम जी रहे हैं। ये नदियाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। लगातार बिना रुके जैसे नदियाँ बहती रहती हैं, कभी रुकती नहीं, एक जगह पर टिकती नहीं, ये नदियाँ हमें सिखाती हैं किस तरह से बिना रुके कठिनाई संघर्ष झेलने के बावजूद हमें अपनी मंजिल की तरफ निरंतर लगातार बढ़ते रहना है। ये जीवन का ज्ञान सिखाती हैं नदियाँ। अगर हम तमिलनाडु की नदियों की बात करें तो तमिलनाडु में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कमंडल नदी, कुंदा, कुवम, कोड्यार, कोशिका, चिन्नार, चेय्यार, गोमुखी, नोयल, भराली, पालार और कावेरी। कावेरी का नाम आपने सुना होगा, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसे पोन्नी नदी भी कहते हैं। और अगर आप जाने तो इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, इतनी लंबी नहर है ये कावेरी। इसके किनारे एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है। तो बच्चों ये नहरें बहुत देश की जीवन रेखाएं हैं, इनके बिना हम नहीं हैं। चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नहरें ना होती तो हम ना होते, नहरें ना होती तो हम ना होते, ये घर दुकाने आशियाने ना होते, नहरें ना होती तो हम ना होते, ये घर दुकाने आशियाने ना होते, ये सड़कें स्कूल होते कहाँ से, ये सड़कें स्कूल होते कहाँ से, ये बिल्डिंग बड़े बड़े कारखाने ना होते, ये बिल्डिंग बड़े बड़े कारखाने ना होते। ये नदियाँ जो हैं ये तभी ने हम जीवन की रेखाएँ कहते हैं। धन्यवाद।